गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, जल्दी से लो आओ। सर ट्रायंगल वाला का सर पीक पे कैसे निकालेंगे वो बोले थे, बताएंगे आज। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। चलो, आज 11 जनवरी और थर्ड सेम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अब तक क्या क्या देख चुके हैं हम लोग हैं, तो स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या परिभाषा होता है, क्या इसका फिजिकल मीनिंग होता है। परिभाषा तो बहुत सिंपल होता है, लेकिन इसका मेन फिजिकल मीनिंग क्या है वो हमने देखा कि कितना ताकत लगाना होगा घुमाने के लिए, ये असल इसका फिजिकल मीनिंग था। उसके बाद फिर हमने देखा कि कितने तरह का कौन-कौन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसका हमने देखा, जैसे कि चतुर्भुज का देखें, रेक्टेंगल शेप का देखें, फिर हमने देखा ट्रायंगल का देखें, स्क्वायर का भी वही चीज देखें। इसके साथ साथ दो थ्योरम को भी हमने एक एप्लीकेशन करके दिखाए, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। परपेंडिकुलर का आज हम दिखाएंगे इसके एप्लीकेशन हम लोग कैसे करके, और ये दोनों थ्योरम का यूज कहीं भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है। सर हाँ बोलो बाबू। बोल रहे हैं सर कि आप कल ट्रायंगल का बताए थे, वो एक्स एक्सिस का अबाउट में बताए थे रोटेशन। हाँ मैंने बेस 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 पर हाँ वही बेस से बताए थे सर, लेकिन वही सर
मतलब ट्रायंगल का मीड से जो लाइन पास करेगा वाई वाई, उससे रोटेशन होगा, उसका कैसे निकालेंगे? वही तो कल निकाल के दिखाए थे, पैलर थ्योरम का सीजी के अबाउट, जिसका आंसर आया था बी एच क्यूब बाई 36। हाँ 36 आया था। ठीक वो सेंटर ऑफ है ग्रेविटी सर। मिड पॉइंट नहीं, देखो मिड पॉइंट नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करते हैं। देखो मिड पॉइंट अगर देखोगे तो भाई तुमको इस ट्रायंगल का मिड पॉइंट कोई बोलेगा ये इसका बेस है, तो ये इसका हाइट एच है, तो क्या इसका हाइट मिड पॉइंट तुमको लगेगा देखने में कि फिजिकल एच बाई टू ये मिड पॉइंट हो गया? नहीं, मिड पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सीजी यहाँ पे लाइक करें, इसका ज्यादा बेस ज्यादा मोटा है तो ज्यादा मास यहाँ पर होगा, ये सीजी यहाँ पर होगा, मतलब कि 2h/3। तो यहां से जिसका आंसर जो निकाले थे कल हम लोग, इसलिए हम लोग सीजी लिख दिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका आंसर आया था BH³/36, और इसके बेस पे जो हम निकाले थे, जो बेस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको हम एक्स एक्स मान लिए, ये सब अपने मर्जी का चीज है, कोई एक्स मान लो, वाई मान लो, ए बी मान लो, बी सी मान लो, डी एफ मान लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस, सिंपली बेस लिख दो कुछ भी, जैसे आपने सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर बेस लिख दिए, बहुत सारी किताब में ऐसा भी लिखा रहता है, तो उस सब ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस तस्वीर को देखो, नीचे वाले का जो मर्जी लिख दो, बेस लिख दो, एक्स एक्स वाई लिख दो, कहीं कहीं कुछ किताबों में इसको वाई मानता तो वाई भी लिख दिया, ज्यादा टेंशन ना लेना सब। इसका आंसर कितना गया ठीक है था? सर। ठीक BH³/12 आ गया था। और इसके अबाउट हमने कहा था कि तुम निकाल के दिखाओगे, करके देखोगे, पता नहीं तुमने कुछ किया कि नहीं किया। हो गया तो ठीक है, बढ़िया बढ़िया कर लिए, भरोसा है, करोगे अपने लिए, नहीं करोगे अपने लिए, ठीक है, जितना करोगे उतना सीखोगे, मजा कब आएगा जब कंपटीशन में बैठोगे तब, और हम तो राय देंगे सभी बच्चे को जिसको शौक है अपना आगे फ्यूचर में कुछ एग्जाम उग्जाम देने का, तो अभी से ही एसएससी का कंपटीशन किताब आता है मैकेनिकल का, वो खरीद लो, ज्यादा महंगा नहीं आता है, 100-200 में आता है, सस्ता वाला ही ले लो, और देखो कि जो तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, फ्लूड मैकेनिक्स का, मटेरियल साइंस का, वो सारा क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो सोचो इसका मतलब कि तुम सही दिशा में जा रहे हो, सॉल्व नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं गलती हो रही है, चाहे तो पढ़ने में गलती हो रही है, चाहे उसको ठीक से एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो, ये गलती हो रही है, ठीक है? तो ये अभी टाइम है, उसको करोगे तो तुमको आज अभी तो नहीं, कुछ सालों के बाद उसका क्या कहते हैं बेनिफिट्स और फायदा मंद दिखाई देगा, ठीक है? चलो हम आज आगे देखेंगे सर्कुलर सेक्शन का, इसमें कितना तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, और आगे इस जो आज का सेक्शन में बहुत यूज होगा, बहुत यूज होगा, जैसे मान लो गाड़ी का चक्का है, शाफ्ट है, जितना भी रोटेटिंग चीज है वो आजकल हम लोग अपने लाइफ में देख सकते हो, घूम रहा है, पाइप है वो घूमने वाला चीज घूम सकता है, जितना भी सर्कुलर चीज का तुम अपने आप के सामने देखो, उसमें ये आज का सेक्शन यूज होने वाला, तो बहुत यूज होगा इसके सेक्शन पे, उसको पर डिटेल में हम समझाएंगे कौन कौन से यूज कर सकते हैं, इसी में तुमको आज हम परपेंडिकुलर थ्योरम्स का भी एप्लीकेशन समझाएंगे, ओके? तो हम क्लास को हम बढ़ाते हैं बाबू, तुम लोग का उसको मिला के लाते हैं सबको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन। उदाहरण जैसे मान लो तुम लोग सर इतना लेट में आता है, ये गोल सेक्शन हो गया ऐसा,
हमारा गाड़ी का चक्का है जो एक्सेल से जुड़ा हुआ रहता हम लोग का है, ये देखो गाड़ी का चक्का, ये भी गोल गोल ही है। तो ये सारा चीज में जो गोल घूमेगा हमारा है तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया इसका यूज होने वाला है हम लोग का। जब घूम रहा है तो कितना इफेक्ट लगेगा, कितना टॉर्क देना पड़ेगा ताकि ये चीज मेरा घूम सके, और ये कितना अपने आप को रेसिस्ट करेगा कि हम नहीं घूम सके। तो ये इसके अंदर जो गुण पाया जाता है वही तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया है हर सेक्शन का, चाहे वो सर्कुलर हुआ, रेक्टेंगुलर हुआ, ट्रायंगल हुआ, सबका अपना अपने गुण पाया जाता है। तो मेरे पास एक प्रैक्टिकल चीज भी लेके आए हैं, बहुत पहले क्लास में उस चीज को लाए थे, तो एक मिनट हम इंक भर लेते हैं। अब देखो इसको, अब देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया कैसे हमारा होगा और इसका मतलब क्या है। ये तो मेरा एक तरह का साइकिल का ये हो गया, ठीक है। ये अब इसको घुमाने का तरीका देख सकते हो, एक तो इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है ये सेंटर से भी देखो अगर हम लोग ऐसे घुमा सकते हैं तो इसके घूमने की भी एक हो सकता है। तो ये कितना ज्यादा हमको टॉर्क देना पड़ेगा, टॉर्क क्या फोर्स इनटू आर, तो ये हम इसको कैसे टॉर्क दे रहे हैं घुमाने के लिए, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो एक ऐसे ही घूम सकता है, तो एक ऐसे भी तो घूम सकता है, इसलिए पकड़े हुए हैं इसको हम लोग ऐसे, ऐसे भी घूम सकता है। उसके बाद ये चीज तुमको ऐसे भी घूम सकता है, देखो। तो सबसे ज्यादा मुझे किसमें टॉप देना पड़ेगा, इस वाले में या इस वाले में, तो ये किसमें मुझे आसानी पड़ेगा, यही चीज को तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया बताता है, इनर्सिया प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसी का मान लेते कैसे निकालते हैं, देखो तो बाबू ये चीज को जरा वहां पे एक्सप्लेन कर देते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, यहाँ पे तस्वीर बनाएंगे हम, उसी तस्वीर से यहाँ पे एनालिसिस करवाएंगे ताकि बहुत चीज क्लियर हो जाए। तो इसको पहले हम यहाँ पे मिटा देते हैं, देखो एक बड़ा सा सर्कुलर सेक्शन ले लेते, ये सेंटर हो गया, ठीक है। बस ज्यादा नहीं, बस आज इतने पढ़ाएंगे, ठीक है, बस उसी को पढ़ना सीखना है। और ऐसा करते हैं कि इसका यहां से रेडियस कैपिटल रेडियस आर मान लेते हैं, त्रिज्या इसका आर हो गया। अब एक तो एक्सिस हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक तो एक्सिस ऐसा है और एक तो एक्सिस यहां से पास किया है, तो इसको बोल देते हैं एक्स एक्स, इसको वाई वाई। ध्यान दोगे कि जो एक्स एक्स वाई है ये सेंटर डेविटी से ही पास कर रहा है, मतलब ये सीजी होगा मेरा, सीजी लाइन दोनों एक ही चीज है और प्लस सिमेट्रिकल है, जिधर से भी बॉडी को काटोगे इक्वल भाग में कटेगा, चाहे इधर से काटो आधा रोटी आधा रोटी, इधर से काटोगे तो आधा रोटी कटेगा, मतलब ये बॉडी मेरा सिमेट्रिकल है, किसी तरह से भी काटोगे तो आधा रोटी कटेगा। अब इसके साथ मैच करो, अगर
तो ये टोटल गोल हो गया जिसका रेडियस सेंटर से इसका रेडियस यहां से लेके इसकी दूरी रेडियस हो गया आर। और ये जो वर्टिकल हो गया ये हो गया वाई एक्सिस, जो इधर से ऊपर जा रहा है वाई एक्सिस, और जो इसको ऐसे काटेगा एक्स एक्सिस, लेकिन सेंटर से पास करता, दो एक्सिस हो गया एक्स एंड वाई। तीसरा एक्सिस भी है, तीसरा एक्सिस भी है, और वो कौन सा एक्सिस है? वो एक्सिस है जेड एक्सिस। देखो ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है, ये वाई, ये एक्स, ओके, ये वाई, ये एक्स, ठीक है, इसको दो भाग में बांटेगा एफ, ये दो भाग में, और एक ये एक्सिस हो गया दिस वन जिसके अबाउट ये रोटेट किया ऐसे। तो एक तो अगर कोई ऐसे रोटेट किया तो हम बोलेंगे कि जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट किया, ठीक है ना, इसको ऐसे रोटेट, ऐसे लोग ये z एक्सिस के अबाउट रोटेट किया दिस डायरेक्शन z एक्सिस, ये हो गया x, ये हो गया y, तो x एंड y दो एक्सिस और z इसके परपेंडिकुलर हो गया। तो अगर हम ऐसे घुमाएंगे तो ये कितना रेसिस्ट करेगा कि ये रोटेट ना हो, ठीक है, कितना यहां कितना हमको टॉर्क देना पड़ेगा बाहर से कि ये चीज रोटेट कर सके ऐसे। तो आसानी किसमें होगा बाबू, इसमें घुमाने में आसानी होगा कि ऐसे ऐसे घुमाने में आसानी होगा, इसी चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम बताता और रिजल्ट निकालते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया, हम एरिया के क्षेत्र में इसका एरिया सर्कुलर हो गया तो सर्कुलर सेक्शन के अनुसार इसको हम निकालते हैं। तो हम इसको ऐसे रख दिए हैं और क्या करते हैं कि छोटा सा एलिमेंट हमने जो कहा था छोटा एलिमेंट, तो फिलहाल ये मेरा एक्सिस हो गया जो जेड एक्सिस से पास कर रहा है, इसी एक्सिस को बोलते हैं पोलर एक्सिस, पोलर, ठीक, उसको हम लिख देते हैं, जो यहां से पास किया, ठीक है, उसको बोलते पी ओ एल ए आर एक्सिस। जैसे कि एक्स एक्सिस तो मुझे पता चल गया, ठीक है, एक तो वाई एक्सिस भी हो गया, ओके, तो एक तो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के साथ, इसी जेड को जो जेड निकला है उसी को कहेंगे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जेड वाला, ठीक है ना, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के जो आई जेड है वही कहलाएगा मेरा पोलर मोमेंट। तो यहां पे हम जो आई जेड है इसको कभी कभी आई बी बोलते हैं, मतलब पोलर मोमेंट। पोलर मोमेंट जो कि पोलर पोल से जाके क्रॉस किया, तो यहां से जो क्रॉस किया ऐसे, ओके, पोलर मोमेंट, ऐसे नहीं, ये एक्स, ये एक्स हो गया, वाई हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस। तो ये हो गया एक्स, ये वाई, ये हो गया z एक्सिस, इसके अबाउट ये गोल गोल घूमेगा मेरा। तो पोलर मोमेंट को लेके तो हम क्या करते हैं कि छोटा सा एलिमेंट हम ले लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट हम ले लेते हैं, ये जो कैपिटल R था मतलब बाबू रेडियस, जो सबसे बड़ा सर्कल है उसका रेडियस R, और ये हो गया छोटा सा एलिमेंट, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट, और छोटा सा एलिमेंट हम क्या समझाएंगे इसमें, ऐसे समझो कि यहां से एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग स्टीप लिए हैं, छोटा सा एलिमेंट स्टीप, ठीक ना, तो कोई एक दूरी सेंटर से कोई दूरी पर मान लेते, इसको मान लेते ये चीज यहां तक, तो यहां से जहां जहां से उंगली पकड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो यहां से इसका स्टीप मेरा ये मान लेते स्टीप हुआ, तो यहां से इसकी दूरी है छोटा सा स्टीप है डी आर, तो यहां से इसकी दूरी हो गया आर, तो अब इसके अबाउट घूम रहा है पोलर मोमेंट के अबाउट, तो इसकी दूरी हो गया यहाँ पे छोटा सा आर, उसको मैं डायग्राम बना के दिखाएंगे, तो यहां से छोटा सा एलिमेंट हो गया आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर मतलब बड़ा रेडियस हो गया, छोटा मतलब हो गया जो छोटा सा एलिमेंट हम लिए हैं उसकी दूरी, और इसका जो थिकनेस है वो हो गया डी आर,
अब सिमिलर जस्ट लाइक जो हम पीछे क्लास में डिस्कस किए थे सबको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, आई पी द कॉर्नर मोमेंट, मतलब कि z एक्सिस से जो निकला है, इक्वल टू फॉर्मूला होगा r स्क्वायर इनटू dx। कैसे बाबू, याद करो पहले क्लास का जब हम ऐसे लेते थे तो जिस यहां पे तुम x एक्सिस के रिस्पेक्ट लेते थे तो छोटा सा एलिमेंट लेते थे, इसकी दूरी यहां से y लेते थे, तो यहां पे इसकी दूरी कितना हो गया r, वो भी इस तरह का है हॉरिजॉन्टल, सब एक तस्वीर था आप लगाइए इसको इमेजिन करके ऐसा है, ठीक है ना, तो यहां से इसकी दूरी r, ठीक है समझो ऐसे, मतलब यहां से कैपिटल r तो ये हो गया पूरा यहां से रिंग तक, और छोटा सा जो r है वो यहां से लेके कई दूरी तक कोई छोटा सा एलिमेंट होगा उसकी दूरी है r, तो ये ऐसे घूम रहा है, तो पूरा मोमेंट जो z एक्सिस निकला है इससे इसकी दूरी स्मॉल r और उसका एलिमेंट्री एरिया, एलिमेंट्री एरिया, ठीक है ना। हेलो सर, आपको वीडियो नहीं दिख रहा है सर, वीडियो नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सर, वीडियो दिख रहा है सर, दिख रहा है, इसका नेटवर्क इशू होगा सर, देख लो नेटवर्क नेटवर्क था, देख लो आ करोगे ठीक है, नेटवर्क का समस्या होगा, ओके तो यही अंतर है, इसीलिए कुछ जब पढ़ोगे रेक्टेंगुलर शेप में तो मैं यहाँ पे y स्क्वायर कैसे ले लिया x पे, और जब सर पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पे कई किताबों में r लेके बना दिया है, तो r कैसे लिया वो हम दिखाएं, ठीक है ना, तो ना तो अब ऐसा करो जिसको मिटा दे रहे हैं कि ये पूरा मोमेंट नहीं है, ये x एक्सिस जो काट रहा है इसको ये वाले x के एक्सिस से बनाते हैं, ठीक है, x एक्सिस इसे बन सकता है इससे बन सकता है, लेकिन पूरा मोमेंट का तो यूज करके समझाएंगे कैसे अपन पर्टिकुलर मोमेंट यूज करते हैं उस चीज को, मैं वो चीज यहां पे दिखा दूंगा, अब ऐसे करते हैं कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, बहुत आसान है, एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा, एक लाइन में, तो r स्क्वायर तो ओके r स्क्वायर है, अच्छा एरिया क्या होगा मेरा, एरिया तो छोटे से स्ट्रिप, देखो ये तो बहुत बेसिक फिजिक्स हमारा है, भौतिक विज्ञान है, छोटे से स्ट्रिप का एरिया कैसे निकलता है, रिंग जैसे होता है चूड़ी, जो चूड़ी जो लड़कियों पहनती चूड़ी, उसका एरिया कितना होता है, ये टोटल सॉलिड पार्ट हुआ, तो एक छोटे से स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, तो सर्कमफेरेंस 2 पाई r, इसको बोल दिए सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस इनटू dr, ये छोटे से एरिया का सूत्र है 2 पाई उसकी दूरी और dr, अब dr को मत समझना कि d का मतलब अलग है r का मतलब, ना उसे मत समझना, गलत हो जाओ, dr का मतलब यह छोटे से एलिमेंट का थिकनेस dr, जैसे हम लोग कह सकते हैं जैसे ब्राउन का रेक्टेंगुलर का पार्ट में dy, याद करोगे रेक्टेंगुलर पार्ट में डी वाई वहां पे आओगे डी आर, क्योंकि रेडियस के हिसाब से लिया जा रहा है, तो डी आर को तो बस इसको यहां पे पुट कर दो, अच्छा लिमिट कितना से कितना लोगे, लिमिट लेंगे जीरो से लेके कैपिटल आर, क्योंकि ये रेडियस है तो जीरो से शुरू होगा ये सेंटर शुरू होगा, और आर तक जाके जो रेडियस है छोटा सा आर वो तो जीरो से कैपिटल आर के बीच में ही घूमेगा, ठीक है ना, तो जो स्ट्रिप का मूवमेंट है वो जीरो से इतना फैलेगा किया जाएगा, फैलने के लिए क्षमता है वो जीरो से आर के बीच में फैलता है, तो जीरो से लेके आर के बीच में लिमिट दे दिए, और जरा इसको बैठा दो यहाँ पे, ये आर स्क्वायर तो मोमेंट का फॉर्मूला होता है, आर स्क्वायर इनटू स्मॉल एलिमेंट्री एरिया इनटू 2 पाई R and dr, ठीक है ना, कुछ करके देखो, कुछ हो सकता है तो 2 पाई कांस्टेंट है बाबू, बाहर निकाल देते हैं इसको,
we take out 2 pi. तो कितना किया आर क्यू वाई डी आर. अब इसका इंप्लीकेशन तो तुम लोग को आ जाता होगा आराम से, बहुत इजी इसका इंप्लीकेशन है. तो इसका इंप्लीकेशन क्या है, कितना आ जाएगा मुझे पाई आर टू की पावर 4 बाय 2. बहुत बढ़िया, 4 बाय सर पाई आर टू की पावर 4. 2 कट जाएगा सर, 2 कट जाएगा लास्ट में, आर की पावर 4 हो जाएगा. पहले इसको हम लिमिट नहीं करते, पहले हम डायरेक्ट आर का हिसाब से करते हैं. आर का पावर 4 बाय 4 लिमिट, ठीक है. इसको सॉल्व कर देते हैं, तो हम अब यहां पर लिख देते हैं, जगह मेरे पास नहीं है. तो आईपी, आईपी का मतलब पोलर मोमेंट या मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस विद परपेंडिकुलर टू द एक्स एंड वाई. रिमेंबर आईपी मीन द पोलर मोमेंट, एंड द पोलर मोमेंट मीन्स द परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के परपेंडिकुलर रहेगा. सो 2 पाई, ठीक है, तुम 4 को 4 से काट दिए, 2 को 4 से काट दोगे तो 2 आ जाएगा नीचे. हम यहाँ पे काट ही देते हैं ना, तो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा फिर. तो कितना है बाबू 2 आर और कैपिटल आर का पावर 4 निकल के आंसर. अब आर को या डायमीटर के रूप में लिख के दिखाओ. तो d इक्वल टू क्या होता है, ऐसा होता है डायमीटर रेडियस के साथ डायमीटर हाफ कर दे रेडियस. अब डायमीटर, अब r पे जगह पर इसको पुट कर दो तो क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पोलर मोमेंट का मान. तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, इस सभी को मिटा दे रहे हैं. यहाँ पे देखो तो आर का मान डी बाई 2 कितना हो जाएगा मेरा, डी पाई डी का पावर 4 और यहाँ पे 2 का कितना हो गया 16 32 सर 32 पाई डी का पावर 4 कितना 32. वेरी गुड, ये निकल गया पोलर मोमेंट. माथा के अंदर इसको डाल लो, याद कर लो. The polar moment of the circular section is pi d to the power 4 by 32. Radius के टर्म में pi r to the power 4 into. अब मेरा तो बात मान लो, मेरा बात मान लो, इसके जगह पे उसी को याद कर लो, क्योंकि बहुत यूज होगा वही चीज d के टर्म में. अभी नहीं, फ्यूचर में सेमेस्टर चेंज करोगे तो ज्यादातर उसको हम यूज करेंगे. तो इसीलिए मेरा तो ये है कि उसको याद कर लो. अब वो याद हो गया तो ये भी याद हो गया, बस डायमीटर को रेडियस में बदल दोगे. चलो ये तो निकल गया. अब इसमें ज्यादा हम घुसेंगे नहीं, बहुत ही तरीका यहाँ पे हम घुस जाएंगे सिंपल में. हम ये तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मतलब कोई गोल है, गोल के इधर से निकल रहा है, जस्ट लाइक ये चीज जेट के बहुत ही घूम रहा है, इसको बोलते हैं पोलर मोमेंट. अब कोई सर्कुलर सेक्शन है, इसको हम अब ऐसे घुमाएंगे. मतलब इसका जो आंसर निकला वो ये निकला, ठीक है. अब हमको निकालना क्या चाहिए है, इसके अबाउट एक्स वाई, इसके अबाउट निकालना, दो एक्स के अबाउट निकालना, कैसे निकालना. तो हम यहाँ पे यूज करते हैं परपेंडिकुलर थ्योरम, बहुत इजी, वो सिंपल शॉर्ट तरीके में घुस जाएंगे हम लोग. अच्छा
अच्छा एक चीज ध्यान दोगे कि जो सर्कुलर सेक्शन है मेरा, ये एक्स और वाई दोनों को तो एक पर भार बांट रहा है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस का जो होगा वही मोमेंट इनर्शिया ऑफ वाई का भी होगा, क्योंकि दोनों एक पर भार बांट रहा है। अगर ये त्रिभुज होता तो इसके एक्सिस का मोमेंट अलग होता, इसके अबाउट अलग होता, क्योंकि दोनों का अलग अलग सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि y जो होता त्रिभुज को दो भाग में बांट रहा है, लेकिन जो y जो x है वो दो एक भाग में नहीं बांट रहा है, दोनों का अलग अलग निकल गया, तो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग अलग होगा। लेकिन जो मेरा ये सर्कल पार्ट है जो है वो क्या है, y और x दोनों इक्वल भाग में बांट रहा है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया y का होगा वही x का होगा, क्योंकि यहां से भी इसका रेडियस r ही लेंगे, यहां से भी इसका रेडियस r ही है, सब कुछ तो मेरा सेम ही सेम है, तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स और वाई का एक ही होगा, जो भी होगा एक होगा, कितना होगा वो देखेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं, अब सब काम नहीं है मेरा। तो अब हम यूज करेंगे एक्स एक्स और वाई वाई, तो ये सेंटर हो गया, इसका रेडियस आर हो गया, तो यहां पे यूज करेंगे परपेंडिकुलर थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। परपेंडिकुलर लंबवत सिद्धांत, ये क्या कहता है कि x प्लस y इक्वल टू z, x y z परपेंडिकुलर है, x y के परपेंडिकुलर कौन z, इज z, तो दो ये चीज अगर क्रॉस सेक्शन 90 डिग्री काट रहा है तो ये इसके जो परपेंडिकुलर होगा वो दोनों के समेशन के बराबर होगा, ये परपेंडिकुलर थ्योरम हमारा कहता है। तो सीधे अब हम तो जानते हैं कि x के अमाउंट लेंगे क्या y के अमाउंट लेंगे, कि ये हमारा सिमेट्रिकल बॉडी है तो इक्वल रिजल्ट आ जाएगा। तो ड्यू टू सिमेट्रिकल बॉडी In both axis मतलब x and y दोनों axis के बराबर है, तो is equal to y. Sir, दो equal dimension में काट रहा है। हाँ बोलो बाबू। Hello sir, हाँ बोल रहे हैं sir, इसका sir pi it is a power 4 by 30, 64 होगा क्या? हाँ बिल्कुल आएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है sir. बढ़िया बहुत बढ़िया, तुम मतलब मेहनत कर रहे हो, चलो ठीक है। फिर जब बराबर होगा तो हम y की जगह पे इसको लिख दिए, ठीक है, तो अब क्या होगा 2ix, ये हमारा परपेंडिकुलर, तो ज्यादा हम डिटेल में नहीं, बहुत शॉर्ट तरीका में बना है, जो जरूरत का चीज है, ठीक है, डिटेल में नहीं, बस ये थ्योरम का यूज कैसे अप्लाई करते हैं, हम लोग को एग्जाम निकालना है, क्रैक करना, हमको रिसर्च नहीं करना है, डॉक्टर डिग्री पढ़ना, सब जब पढ़ोगे बीटेक एमटेक भी तब करना है, अभी सिर्फ एग्जाम निकालना है, एग्जाम निकल जाए शादी भी अच्छे से हो जाए, तो हमको बस देखना क्या यूज करे अप्लाई, असल में कंपटीशन पूछता है कि आप जो जानते हैं उसको अप्लाई कहाँ पे कीजिएगा, बस यही पे आपका चेक करता नॉलेज, तो ये थ्योरी है तो हम यूज कैसे करेंगे। तो अभी पहला यूज हम बता दें सर्कुलर सेक्शन पे, इसका आगे भी यूज हम बहुत जगह पे यूज करेंगे, हर सेक्शन पे सकता है, फॉर मोमेंट जो परपेंडिकुलर हो, ठीक है, चाहे वो रेक्टेंगुलर सेक्शन का भी निकाल सकते हैं। तो शुरुआत आज का हम करेंगे हम सर्कुलर का यूज किए, ठीक है ना, तो ये निकल जाए क्या चाहिए आई जेड, आई मतलब क्या चाहिए आई पी के बराबर है परपेंडिकुलर, क्योंकि आई जेड को भी आई पी करते हैं, पे एक्स वाई जेड के साथ हम रिप्रेजेंट किए हैं, अब पी को हम रिप्रेजेंट किए पोलर, तो आई जेड का पोलर एक स्पेशल नाम दे दिया गया जो कि परपेंडिकुलर सेक्शन के अबाउट रोटेट करता है गोल 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 जैसा,
तो इसका मान यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग, है तो कितना आ गया पाई बाई डी का पावर 4 एंड 32। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस पे अबाउट निकल गया कितना बाबू, पाई डी का पावर 4, जिसने कहा था 64 आ गया। उसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस का भी वही होगा, पाई डी का पावर 64। कोई समस्या नहीं, ये हो गया पोलर मोमेंट। अब तुमसे सवाल पूछने जा रहे हैं, ठीक है? ये तो सर क्या लिखे हैं सर, सिमेट्रिकल बॉडी इन सिमेट्रिकल बॉडी इन बॉडी के बाद सिमेट्रिकल बॉडी है, बॉडी बोथ एक्सिस एक्स और वाई के बोथ एक्सिस 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 हां हां, रोटी को दोनों भाग से बांटे हैं तोड़ के, चाहे इधर तोड़ो बात बराबर। अब आते हैं एप्लीकेशन की, यहां पे क्लास खत्म कर लो कि जाकर आप सो जाना तुम लोग। तो इसके अबाउट का जो आंसर निकला कितना निकला, ये निकला, और y कितना निकला, वही निकला। अब मेरा सवाल तुम लोग से ये है कि बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होगा। इसका नाम क्या देते हैं, सिल्ली पॉलिटेक्निक, सिल्ली पॉलिटेक्निक एक्सिस के अबाउट क्या होगा सर्कुलर बॉडी का। देखो ये चीज है, हम अपने हाथ के ऊपर रख रहे हैं, ठीक है ना, तो ये हाथ के ऊपर, अब इसके अबाउट ऐसे घुमा, देखो ये असल में जो बता रहे हैं एसपी, ये है क्या, ये इसको पकड़ लिए ऐसे, इसका फिजिकल मीनिंग वो समझो, ऐसे पकड़ लिए हैं, अब इसको इस हाथ के अबाउट घुमाएंगे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, दिक्कत नहीं दिक्कत तुम लोग को, तो हाथ से तो जगह नहीं बन पाऊंगी, तो इसको हम एक हाथ से पकड़ लिया झुला रहे हैं, तो इसके अबाउट कैसे घूमेगा मसला ना, तो कैसे निकलेगा इसके अबाउट, समझ में आया क्या बोले? Yes, sir. हाँ तो बताओ जल्दी से कैसे निकलेगा, टाइम नहीं है, दो मिनट टाइम बच गया। सर पाई डी का पावर 4 बाय 32, पाई डी का पावर पाई डी का पावर 4 बाय 32 नहीं नहीं, पहले ये पता है कौन सा सिद्धांत यूज करोगे, व्हिच व्हिच पैरेलल एक्सिस, कौन सा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हाँ गुड, देखो हाँ तुम सही बोल रहे हो, तुम्हारा आवाज मेरे सामने नहीं पहुंच पा रहा है, तो हमको एसपी स्लिप और टेक्निक के अबाउट निकालना है, तो हम फॉर्मूला क्या बोलता है, यूजिंग सबको मिटा देते हैं, तो नाउ अप्लाई पैरेलल थ्योरम। कैसे पैरेलल, क्योंकि इसके ये चीज इसके पैरेलल है, जेड नहीं, ये वाला चीज नहीं निकालना है, ये चीज परपेंडिकुलर हो गया, इसके साथ ये निकालना है, ठीक है ना। तो क्या बोलता है कि जिसके अबाउट भी निकालना है, जिसके अबाउट सप्लाई में पर एसपी है, स्लिप और टेक्निक है, तो एसपी के अबाउट निकालना है। क्वेश्चन पूछेगा बेस, इसको क्या बोलेगा बेस, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछ सकता है अबाउट बेस। तो क्या बोलता है कि अमाउंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लस एरिया इनटू वाई का स्क्वायर, ये फॉर्मूला था मेरा, टाइम खत्म होने वाला, फिर ज्वाइन करो, यहां से वो स्क्रीनशॉट भेजोगे, अगला बार तुम भेजा नहीं, अटेंडेंस शीट को बना नहीं, ठीक है सर, टाइम चल जाएगा लगता। तो अब देखो हमको ये पता है, कौन पास आपने
सर 5 पाई डी स्क्वायर बाई 64। ओके आ सकता है, ठीक है ना। आंसर तुम लोग खुद निकालो, फिर हम रास्ता बता देंगे कैसे पहुंचना तुम लोग को वहां तक है। उसके बाद आगे का खेल तुम खुद करो अपने से। तो एरिया हो गया, एरिया ऑफ पूरा का क्रॉस सेक्शन हो जाएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ये एरिया का फॉर्मूला हो गया, इसको रेडियस के टर्म में लिख सकते, कोई बड़ा चीज नहीं है। इनटू वाई का स्क्वायर कितना होगा बाबू? यहां से इसकी दूरी, सिल्ली पॉलिटेक्निक से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी सर डी स्क्वायर बाई 4। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्क्वायर कर देंगे फिर जो कैलकुलेशन, अब इसको सॉल्व कर दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि बाबू देखो यहां से डी दिख गया तो सबको हम डी के टर्म में लिख दिए, ठीक है। किसी को रेडियस के टर्म में याद है तो याद, ध्यान दोगे कि सबको रेडियस के टर्म में लिखो, कोई तुमको आंसर तुम्हारा आंसर नहीं काटेगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी रेडियस और डायमीटर के टर्म में लिखता है, उसको थोड़ा ध्यान दोगे उस समय। तो ये तुम्हारा निकल गया सिल्ली पॉलिटेक्निक के आधार पर, इसको बोलोगे तो हम ऐसे लिख के सिल्ली पॉलिटेक्निक, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा बेस आधार के अनुसार कितना होगा। चलो उसके बाद तुम्हारा अगर बोलेगे इस एक्सिस के बाउंड निकालो, ये लिख देते हैं हम लोग क्या चीज है, कुछ भी नाम दे दो ना जी, जैसे 1 and 2 एक्सिस। अब 1 2 एक्सिस का क्या निकलेगा आंसर, वही निकलेगा सेम, सब कुछ सेम ही सेम है। तो 1 1 के बाउंड भी क्या निकलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो इसका आंसर है वही निकलेगा, वो एसपी सिल्ली पॉलिटेक्निक के बराबर होगा। इसके देखोगे तो ये क्या वाई के पैरेलल हो गया है, ठीक है ना। तो वाई के पैरेलल यूज करने के, अब लास्ट थिंग चीज बताते हुए क्लास को खत्म करेंगे। ये हमारा जो एक्सिस दिया है, ये हमारा कौन सा एक्सिस है, पोलर एक्सिस या जेड एक्सिस, अब हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। अब बताओ इसके एक्सिस के अबाउट कैसे निकालोगे, सर जेड से पैरेलल हो जाएगा, पोलर एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाएगा, तो ये पैरेलल होगा इसके साथ। तो इसका आंसर कितना, अब इसका कैसे लिखोगे, मान लो ये तुमको का कुछ भी लिख दिया, ये ग्रीन एक्सिस है, ग्रीन मतलब हरा, हमने ऐसे समझाने के लिए ग्रीन एक्सिस लिख देंगे। तो अब हम इसका तस्वीर कैसे बनाएंगे बोर्ड पर, जब उसको देख लो, यहाँ पे बॉक्स बना दिए, काम खत्म हो गया। अगला बॉक्स ये हो गया एस 3 पाई डी टू द पावर 4 बाई 32। हाँ गुड, ये हो गया पोलर मोमेंट आईपी, ठीक है। और एक एक्सिस ले लेते ये वाला, इसे कुछ नाम दे दो, ए बी नाम दे दो, बस हो गया, यही तो है मेरा फॉर अ मोमेंट। अरे बाबा पांच किलो जा, ये एक्सिस ए बी, ये हो गया ए बी के बाउंड। तो अब कौन सा थ्योरम यूज करेंगे इसमें हम लोग, पहला थ्योरम यूज करके देख लो, जो आंसर आ जाएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लास खत्म, समझे। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछता है, बस सही पूछेगा अबाउट इसके एक्सिस क्या होगा, अबाउट इसके एक्सिस क्या होगा, बस यही सब यूज होगा इसमें। बस थोड़ा दिमाग लगाना है किसके अबाउट पूछ रहा है, कितना इसकी दूरी होगी, कितना क्या इसकी दूरी होगी, बस वो दूरी याद रखना है। तो इसमें क्या यूज करोगे इसके लिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी, ए बी इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब पोलर मोमेंट आई बी ले लेंगे, प्लस एरिया इंटू
y स्क्वायर, y क्या चीज होगा, ये y होगा इसका, मतलब r के बराबर हो गया pi by d पावर 4 32 एरिया ये और d का पावर 2। सॉल्व कर दोगे जो आंसर आएगा तो सॉल्व कर दोगे, क्लास खत्म। कुछ पूछने आ तो पूछो सर। सर बोल रहे हैं इसका जो CG, इसमें CG से क्यों नहीं लिए सर? क्या बोल बाबू फिर से बोल तो जरा। इसमें CG से वैल्यू क्यों नहीं लिए, IP लिखे हैं तो ऊपर बाबू IP तो भी जो CG है ना हुआ मेरा सेंट्रल ग्रेविटी जो पास किया। सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का तो वैल्यू आप पाए डी पावर फोर का 64। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, यही ना होगा, तो तीन एक्सिस पास करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो इसको नाम दिया गया पोलर मोमेंट। देखिए ये भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही पास करेगा बीच वाले से, एक तो एक्स एक्सिस ये भी पास किया सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, वाई वाला भी पास किया सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब है कि जो एक्सिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्रॉस किया। ओ मतलब सर जो एक्सिस का पैरेलल में होगा उसी को उठाना है, उसी हाँ, को ये तो होगा जिसके पैरेलल में होगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसका हाँ। पैरेलल में लेना है तो देखना किसके पैरेलल में वो है। चलो क्लास खत्म कर दो ना। तब इधर में आप सर पाई डी डी टू दी पावर 4 सर बाय 64 सर क्यों लिखे हैं? ये वाला में सर भाई ये किसके एक्सिस में है, ये मेरा एक्सिस है, तुमको इसके एक्सिस पे इसका भी जाकर ये सॉल्यूशन बनाया है, वो सर्कल ऐसा था और हमको इसके अबाउट लेना था, ये हो गया मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकला और हमको एसपी निकालना था। दोनों का डायग्राम ऐसे समझो ना कि देखो ये है ऐसा पहला वाला इसका बात कर रहे हैं, इसका जो हम लोग लिखे हैं हमको निकालना किसका मालूम है, हमको निकालना इस वाले का, इस ये बेस नीचे वाला ये तस्वीर, ये ऐसा है सर्कल ऐसा रखा हुआ है और ये जो पास किया यहां से यहां ये जो पास किया इसे ये हुआ सेंटर ग्रेविटी से पास हुआ इस वाले का, तो इस वाले का पैरेलल ये लाइन जो ऐसे मैं एक्सिस पे गया इसका, तो ये इसके पैरेलल हुआ, फिर इसका हमको अभी जो निकालना, हमको अभी जो इसका निकालने हैं ये वाला वो क्या हो गया इसके पैरेलल, ये जो मेरा हाथ है ये हो गया, ये चीज इसके पैरेलल हो गया, तो ये दो चीज अगर पैरेलल इसके लाइन के पैरेलल हो गया तो हम इसका यूज करेंगे पैरेलल, और ऐसे यूज करना है तो ये चीज इसके अबाउट पैरेलल हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम ले लिए ऐसा ये चीज तो ये इसके पैरेलल होगा, तो वाई एक्सिस के अबाउट लेंगे तो वाई एक्सिस के पैरेलल ये पैरेलल होगा। समझ गए सर? तो ठीक है, तो प्लीज ये एग्जाम्पल लेंगे ना हम, और प्रैक्टिस के पॉइंट को समझ में आ जाएगा, तो उम्मीद तो समझ आ जाना चाहिए, फिर भी दिक्कत होगा तो फिर से हम कभी एग्जाम्पल लेंगे तो और रिपीट कर देंगे। तो ठीक है क्लास को माफ कर रहे हैं।